नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के मेलिंग टैब के बारे में। देखिए, मेलिंग टैब का विशेषकर कहाँ पे यूज होता है। मेलिंग टैब को बता दूं कि अगर आपको कई सारे लोगों को मेल्स भेजनी है, या कोई लेटर टाइप कराने हैं बहुत सारे लोगों को, या कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है जो बहुत सारे लोगों के लिए है, तो हम मेलिंग टैब का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें सारे जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, जैसे कि क्रिएट ग्रुप में एनवेलप्स लेबल्स है, स्टार्ट मेल मर्ज मेल, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स है, प्रीव्यू रिजल्ट फिनिश, ये सारे ऑप्शन हमको स्टेप बाय स्टेप करके मिल जाते हैं विजार्ड के थ्रू। देखिए, यहाँ पर जब स्टार्ट मेल पर इस पर क्लिक करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ओपन होता है। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टेप वन है, सबसे पहला स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से हम पहले सेलेक्ट करते हैं कि हमको किस तरीके का डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए। अगर हमें ईमेल करनी है तो ईमेल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर ये बोल रहा है कि हाउ डू यू वांट टू सेटअप योर ईमेल मैसेज, आप कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करना चाहते हो ईमेल के लिए, या करंट डॉक्यूमेंट जिस पे हम काम कर रहे हैं, कुछ भी अगर लिख रहे हैं तो इसी को हम मेल के थ्रू जो भेज सकते हैं, या फिर हम कोई एक टैंपलेट यूज़ करें। टैंपलेट क्या होती है, बनी बनाई टैंपलेट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम टैंपलेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टैंपलेट्स जो पहले से बनी बनाई मिलती हैं उनको चाहें तो ले सकते हैं, और चाहें तो स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमने कोई पहले से बना करके रखा हुआ डॉक्यूमेंट है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, करंट डॉक्यूमेंट को यूज कर लेते हैं और यहाँ पर इक्वल टू लगा करके RND और हम यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया है, इसको हम मेल बोल सकते हैं या कंटेंट बोल सकते हैं अपनी मेल का, और इस तरीके से हमने इसको इंसर्ट करा लिया है। नेक्स्ट स्टेप आता है सेलेक्ट रेसिपिएंट, आप किन लोगों को मेल भेजना चाहते हो, उन लोगों की लिस्ट हमको सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब कि जो हमारे में पहले से लिस्ट है चाहें तो वो सेलेक्ट करें, या फिर हम अपने आउटलुक के थ्रू जो है सेलेक्ट करें। हम जो लोग नहीं जानते आउटलुक क्या है, आउटलुक बता दें कि हमारा डिफ़ॉल्ट रूप से ईमेल का एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बहुत सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट रहती हैं। अगर आपके में विंडो पड़ी है तो आउटलुक जहाँ तक पड़ा ज़रूर होगा, तो उनके थ्रू हम डायरेक्ट जिनकी हमने लिस्ट बना रखी है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप न्यू लिस्ट, यहाँ के इसके थ्रू जो है हम नई लिस्ट भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट पर जब क्लिक करते हैं तो ये हमारा विजार्ड खुल जाता है, तो हम यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कहते पहले टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, मतलब आगे बढ़ाते रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमको कुछ सीमित चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिलीट एंट्री पर क्लिक करेंगे और हम इस तरीके से कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मिलता है टाइटल। अगर हमको टाइटल नहीं चाहिए तो हम टाइटल को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, यस। और यहाँ पर हमको लास्ट नेम भी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, डिलीट हो जाएगा। और हमको एड्रेस केवल एक चाहिए, ये भी डिलीट, कंपनी नेम नहीं चाहिए तो डिलीट और यस। फिर उसके बाद में हमको चाहिए सिटी स्टेट चलेगा, जिप कोड वगैरह नहीं चलता है, मतलब नहीं लेना है। स्टेट है, कंट्री और रीजन हमको केवल एक ही कंट्री के अंदर रहना है, उसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। होम, फोन, इस तरीके से जो भी हम नहीं चाहते हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं, ताकि कम से कम रहेगा तो आसानी रहेगी सारा कुछ लेने में, इस तरीके से हम हटा सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे, ओके करेंगे जब इसको, तो यहाँ पर हमारा इतनी चीज़ें आ गई हैं। अब हम एक एक करके ज़रा दो तीन नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे कोई एक नाम है शिवम, यहाँ पर लास्ट नेम चाहें तो उसको कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मिश्रा, और टैब एड्रेस लाइन वन, माना कि LMP का रहने वाला है, यहाँ पर सिटी है, कुछ भी डाल दिया, स्टेट है, ठीक। अब जब जैसे ही हम टैप क्लिक करते हैं, देखिए नया एंट्री, अगर नहीं आता है तो हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और नई एंट्री ले लेंगे, कुछ भी है। यहाँ पर हम किसी का नाम दे देते हैं, यहाँ पर लास्ट नेम कुछ भी, देखिए आप समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। मैं ऐसे तरीके से जल्दी जल्दी में यहाँ पर आप कुछ भी स्टेट वगैरह डला सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। और नाम तो कम से कम सही डाल लिया जाए, और यहाँ पर कुछ भी नाम डाल लेते हैं, कुमार सानू, इस तरीके से हमने डाल दिया है। और इस तरीके से ये पूरा सा,
और हम इसको जा करके ओके करेंगे तो हमारी जो है एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। ये पूछ रहा है किस नाम से सेव करना चाहते हो, हम डेस्कटॉप पे जा करके इसको हम किसी नाम से सेव कर लेते हैं, जैसे SKS नाम से सेव कर लेते हैं। सेव हो गया, फिर इसके बाद हम बात करेंगे, ओके कर देंगे तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम वही एग्जिस्टिंग लिस्ट हम अगर लेना चाहते हैं तो बस उसी पे हमारी चूँकि वो लिस्ट बन करके एग्जिस्ट हो चुकी है और क्लिक कर देंगे राइट योर ईमेल मैसेज पे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, एड्रेस ब्लॉग है, ग्रीटिंग लाइन है। ग्रीटिंग लाइन जैसे कि मतलब डियर सर मैडम, इनको अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं ग्रीटिंग लाइन। फिर उसके बाद में जैसे कि मोर आइटम है, मोर आइटम में क्या जो हमने लिस्ट बनाई थी उनको हम एक एक करके इंसर्ट कराते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम जब हम जिनको भेज रहे हैं उनके लिए है ये चीज़। यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक सेकेंड, एंटर करके हमको एक एक लेना होता है। जैसे मोर आइटम चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम है इसको इंसर्ट कराएंगे, फिर है लास्ट नेम इसको इंसर्ट कराएंगे, एड्रेस लाइन 1 इंसर्ट कराएंगे, सिटी इंसर्ट कराएंगे, स्टेट इंसर्ट कराएंगे, ओके और क्लोज कर देंगे। फिर हम देखें कि यहाँ पर क्या करते हैं, सेलेक्ट मेथड, एंटर, और यहाँ पर एंटर, ये भी एंटर, और यहाँ पर ये आ गया है और इसको भी एंटर। इस तरीके से हम लोगों के नाम और ग्रीटिंग लाइन मतलब सही सब पूरा इंसर्ट करा लेंगे। प्रीव्यू योर ईमेल मैसेज दिखेगा कैसा, इस तरीके से दिखेगा, जैसे मिश्रा जी शिवम मिश्रा को अगर भेजना है तो इस तरीके से उनका नाम डियर शिवम मिश्रा LMP, और यहाँ पर जो हमने दिया था वो कुछ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से रेसिपिएंट जो है 2 का देख सकते हैं, 3 का देख सकते हैं, जिसका भी चाहें, हमको बस यहाँ से दिखाई पड़ सकता है। फिर जब हम कंप्लीट द मर्ज करते हैं तो हमारा यहाँ पर मेलिंग जो है जो टैब होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम बात करें कि यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज जाता है ऑप्शंस। इलेक्ट्रॉनिक मेल मर्ज हुआ जो मेल है उसको हम चाहें तो भेज सकते हैं, और लास्ट जो भी यहाँ पर नहीं शो कर रहा है तो हम यहाँ पर देखिए फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करते हैं, एडिट एंड विजुअल डॉक्यूमेंट आता है। एडिट एंड विजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने से हमको सारे लोगों का एक साथ दिखाई पड़ता है कि सबके पास किस तरीके से जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, हम स्क्रॉल करके देखते हैं। सबसे पहले तो इनका दिख रहा है, फिर इसको स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर अमन जी का दिख रहा है इस तरीके से, और स्क्रॉल करेंगे जो हमने बनाई थी तीसरी लिस्ट उनका भी दिख रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम सारा कुछ लोगों को सेलेक्ट करके यहाँ पर 3 लोगों को भेजें, कई सारे हजारों लोगों को बना सकते हैं, और हमारा मेलिंग टैब यहाँ पर समाप्त होता है। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।